हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हमारे सामने खड़ा है महिंद्रा का 265 DI। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसा ट्रैक्टर है, क्या इसमें खासियत है, क्या इसमें कमी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने खड़ा है महिंद्रा का 265 DI पावर प्लस 2048 CC के 3 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि 35 हॉर्स पावर जनरेट करता है। जो इसके ट्रैक्टर के मालिक हैं, हम उनसे जानेंगे इस ट्रैक्टर की कमियाँ, इस ट्रैक्टर की खासियत और क्या इस ट्रैक्टर में उन्हें अच्छाई लगती है, क्या इस ट्रैक्टर में बुराई। क्योंकि भाई किसान भाइयों, आप अपना पैसा इस ट्रैक्टर में लगाएंगे तो एक बार एक जो किसान है उनसे जानेंगे कि मतलब वर्थ इट है ये ट्रैक्टर, नहीं है या क्या कमियां हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं, उन्हें अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है जी, शाहपुर का रहने वाला हूँ। आप महिंद्रा 265 DI को कब से चला रहे हैं? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया, तो मतलब उस टाइम पे नया लिया था आपने, सेकंड हैंड लिया था, कैसा लिया? नया लिया था जी। तो उस टाइम कितने का पड़ा? 1 साल पहले ये 5,20 का, 5,20,000 रुपए का पड़ा। तो कैसे प्लान बना कि महिंद्रा 265 DI लाया जाए? खर्चे की वजह से, मतलब खर्चा कम है, इस ट्रैक्टर का खर्चा कम है, तो ये प्लान बना कि महिंद्रा 265 DI को लाया जाए। और कोई ट्रैक्टर नहीं देखा उस टाइम पे कि दिमाग में आया कि इसे भी ले सकते हैं? इसे पहले स्वराज चलाया, खर्चा ज्यादा था। उससे पहले स्वराज चलाते थे तो खर्चा ज्यादा था, इस वजह से सोचा कि महिंद्रा 265 DI। जैसे आपने सोचा नया ट्रैक्टर महिंद्रा 265 DI लाते हैं, इसके भी और सारे बहुत सारे वो होंगे इसके कंपैरिजन में कि मतलब ये इस ट्रैक्टर में ये खासियत है, इस ट्रैक्टर में ये, तो आपके दिमाग में सीधा ये आया या मतलब और भी ट्रैक्टर कोई देखा था? नहीं जी, यही आया, मतलब सीधा ये था कि बस फिक्स है 265 DI ही लाना है। तो ऐसी कोई खासियत बताइए जिसने ट्रैक्टर ने आपको अट्रैक्ट किया हो कि हाँ बस 265 DI ही चाहिए हमको? ये बस रोड पे चलने में फास्ट है। तो ये खासियत आपको सबसे बेस्ट लगी कि रोड चलने में फास्ट है? बात करें जैसे कि यहाँ पे इसमें लोड भरा जा रहा है इस टाइम, तो लोड पे कैसा काम करता है? लोड पे रोता है जी। लोड पे रोता है, मतलब बंद हो जाता है, फंस जाता है, परेशान करता है ड्राइवर को। अच्छा, मतलब कि लोड पे बेहतरीन काम नहीं कर पाता। बात करें खेत में जुताई या किसी और चीज की, तो उसमें कैसा काम करता? उसमें भी दबके चलता है जी, डीजल का खर्चा ज्यादा आता है। आपने अभी बोला कि खर्चा कम है, खर्चा कम है, लोड पे डालने पे खर्चा पूरा हो जाता है इसका। तो मुझे ये बताइए किसान भाई क्यों ले इसे फिर, जब इसमें खर्च मतलब इतनी दिक्कत? किसान भाई को अपने रोड पे चलने के लिए भाड़ा करना है, रोड पे चलना है, पक्के पे चलना है, उसके लिए तो सही है। भाड़े में बात करें हम लोड की, जैसे कि आलू लेके जाना है, लकड़ी लेके जाना है, पक्के पे चलना है, कच्चे में नहीं जाना। अब जैसे कि ये कच्चा है, हाँ जी, यहाँ पर किसान भाई पहले तो यहीं से भर के खेत में से भर के ही निकलेगा, हाँ, चाहे आलू चाहे तो कुछ, थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा बाहर, पक्के पे ओवरलोड ट्रॉली करनी पड़ेगी जब लेके जाएगा। अच्छा, मतलब पहले थोड़ा भर के फिर बाहर भरना पड़ेगा, हाँ जी। मतलब ये इतनी परेशानी किसान भाई क्यों उठाए, मुझे ये बताइए आप भैया। वो अपना 5,20,000 रुपए अगर किसी एजेंसी या किसी ट्रैक्टर पे लगा रहा है तो ऐसे क्यों परेशानी खाए? इसी वजह से तो दूसरा ट्रैक्टर लिया हमने। दूसरा कौन सा ट्रैक्टर आप ऑन करते हैं? न्यू हॉलैंड 3032। अब बात आती है न्यू हॉलैंड 3032 की, तो उसमें क्या मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब उस पर आप शिफ्ट हुए हैं इस ट्रैक्टर के बाद? हाँ जी। तो वो नया लिया आपने सेकंड हैंड? सेकंड हैंड। इस ट्रैक्टर से आप जैसे ही उस पर शिफ्ट हुए, तो उसमें ऐसे क्या खासियत लगी आपको कि हॉलैंड 3032 लिया आपने? उससे यहाँ से ट्रॉली कच्चे में से बाहर निकाल के पक्के पे इसे जोड़ देते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं, अपने टाइम का टाइम बच जाता है। मतलब पहले यहाँ से इसे उसे जोड़ के इसे निकालते हो? हाँ जी। तो मतलब ये तो बहुत दिक्कत परेशानी की बात है। नया ट्रैक्टर लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा, बेच नहीं सकते अभी। हाँ, ये भी बात सही है। तो मतलब जैसे कि आपने बताया नया आपने लिया 5,20 का, तो कैश लिया था पूरा? कैश लिया था। अच्छा, तो मुझे ये ट्रैक्टर थोड़ा सा ऐसा ही लगा, आप बता रहे हैं कि किसान भाई क्यों लगाए अपना पैसा 5,20,000 रुपए, किसान के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। अगर किसान को अपना टाइम देखना, टाइम बचाना है, हाँ जी, बचत करनी है, आज के टाइम में टाइम कम है किसान के पास, तो उस हिसाब से तो ट्रैक्टर ले महिंद्रा 265। अगर लोड की बात करें, तो ट्रैक्टर छोड़े ना जाए। अब देखो जी, किसान तो किसान है, उसे लोड का भी काम होता है, उसे रोड का भी काम होता है। अब मुझे ये बताइए 5,20,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है किसान के लिए? सही बात है, किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी होगी, लेकिन किसान भैया अपने खून पसीना बहाता है। तो मुझे तो ये पसंद नहीं आया, आपको कैसा लगा अपनी तरफ से बताइए।
हमें तो जी ट्रैक्टर बस हम तो इतना ही कहेंगे कि अपने रोड के हिसाब से अगर चाल देखी जाए तो ट्रैक्टर बेस्ट है, तेज है मतलब। हाँ जी। बस अगर किसी भाई को रोड रोड का काम हो हाँ जी, हाँ जी। उस पे ले जाए हाँ जी। बाकी वैसे इस ट्रैक्टर की तरफ वो देखे भी ना, ना बिल्कुल। अच्छा और कुछ खासियत बताइए या कुछ कमी और हो, जो भी हो आप किसान भाइयों के सामने बिल्कुल पेश कर। बाकी जी तेल का खर्चा भी ठीक है, मतलब ठीक है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी। हम बात करें स्वराज के ट्रैक्टर है उसमें जितने भी हम किसान भाइयों से मिले वो यही कहते हैं कि तेल का खर्चा ज्यादा है। हाँ जी। तो सच में ऐसा है? हाँ जी। मतलब तो उससे कम है इसका खर्चा? इसका खर्चा कम है। तो किसान जेब की तरफ को भी खैर देखते हैं अपनी की, जब हाँ वो पेट्रोल पंप पे जा रखे खड़ा हो तो उसे ये ना देखना पड़े कि हाँ मेरी जेब में पैसा है नहीं। हाँ जी। तो और कुछ बताइए, देखो तेल पानी खर्चा बहुत जरूरी चीज है और बाकी छोटे किसान के लिए अपने बेस्ट है, बढ़िया है, मतलब जिसकी छोटी खेती हो उसके लिए ठीक है ट्रैक्टर। बड़े किसान के लिए बात करें अगर, बड़े किसान के हिसाब का ट्रैक्टर नहीं। अच्छा, और लोड वगैरह पे भी थोड़ी दिक्कत करता? लोड पे दिक्कत करेगा। किसान भाइयों आपने देखा हमने महिंद्रा 200 SDI की सारी जानकारी आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच, और आपके लिए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाने की हम कोशिश करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।